अंतरात्मा में स्थाई भाव को प्राप्त हो गया। अभी विवेक उनको नहीं कि कृष्ण मथुरा चले गए। विवेक शून्य का मतलब अविवेक नहीं, ये विवेक शून्यता गुण है दोष नहीं, ये विवेक शून्यता गुण है दोष नहीं। जहां कृष्ण कृष्ण हमसे अलग है ये विवेक होए, वही दोष है। कृष्ण हमसे पृथक है, अलग हो गए हैं, मथुरा चले गए हैं, हम उनके उनसे वियुक्त हो गए हैं, ये विवेक ही अविवेक है वस्तुतः है। ये अविवेक प्रधान प्रेम जिनका है उनको भी कृष्ण विप्रयोग की अनुभूति नहीं, इसलिए बछड़े उछल रहे हैं। गायें अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ रही हैं और गवेंद्र गवेंद्र जो है सो युद्ध कर रहे हैं। ये सारी लीला जो गायों में बछड़ों में और इनमें सब में चल रहा है, ये सब वही अविवेक प्रधान अनुराग के कारण उनको भी कोई प्रकार का शोक नहीं है, कोई प्रकार का संताप नहीं है, पीड़ा कर रहे हैं। तो आज सुनते हैं वो ये क्या ब्लैक होने वाला है, इसलिए जल्दी बंद करना चाहिए। 20 7 71 जय राम जय जय राम। पुत्र अब्नेर्कादित गो विप्र पितृ देवार्चनान्वितैः गोपदीपैश्च माल्यैश्च गोपाभाषैर्मनोरमः नंद गोकुलम मनोरमम। ये कहे श्री उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के नंद गोकुल में गए। वो नंद गोकुल कैसा है कि जिसमें बड़े बड़े मत्त गवेंद्र हैं और धनों के भार से युक्त सुंदर धेनु हैं और बड़े सुंदर अपने बछड़ों को प्राप्त करने के लिए दौड़ रही हैं, बछड़े भी इधर उधर कूद रहे हैं दौड़ रहे हैं। उन सब से नंद गोकुल अलंकृत शोभित, गोदोह के शब्द का अभिरव मनोरम राव है उस नंद गोकुल में, और वेणुओं के सृंगों के निनाद से भी वो मनोरम नंद गोकुल है। और श्री राम श्री बलराम और भगवान कृष्ण के मंगलमय परम पवित्र चरित्रों को कर्मों को गान करती हुई दिव्य अलंकारों से अलंकृत गोपांगनाओं और दिव्य अलंकारों से अलंकृत गोपों के द्वारा वो नंद गोकुल अलंकृत है सुशोभित। और उसी में आइए चले आइए। अग्निर्कातिथि गो विप्र पितृ देवार्चनान्वितैः अर्थात वो नंद गोकुल लौकिक वैदिक सर्वविध शुभ कर्मों से युक्त, कोई लोग अग्नि की अर्चा कर रहे हैं माने अग्निहोत्र कर रहे हैं, दर्श पूर्णमास ज्योतिषोम आदि भी चलते हैं, क्योंकि वो गोप जो है एक प्रकार के वैश्य, गोपाल चंपू में इनका विस्तार से वर्णन है, श्रीमद जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। हाँ वही तो कोई कोई क्या देव मीढ़ नाम के देव मीढ़ नाम के यदु यदुवंशी थे, उनसे वैश्य कन्या में उत्पन्न
सन्नंद उपनंद आदि हुए, उन्हीं में से नंद हुए। इसलिए इनको सबको भी वैदिक कर्म का अधिकार है ही, वेद का अधिकार ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, इनों को होता है। इसलिए ये सब लोग भी अग्नि का अर्चन करते हैं, उनके यहां अग्निहोत्र हैं, स्मार्त अग्निहोत्र अथवा स्रोत अग्निहोत्र, और अर्क की पूजा होती है भगवान सूर्य की, अतिथियों की अर्चा होती, गौओं और ब्राह्मणों की पूजा होती, पितरों और देवताओं की पूजा होती। भगवान श्री कृष्णचंद्र का मंगलमय धाम नंद गोकुल है, इसलिए संपूर्ण स्रौत स्मार्त धर्म कर्म वहां सांगोपांग रूप से विराजमान है। धूप दीप तांत्रिक कर्म भी हो रहा है। ये तो सब क्या वैदिक कर्म है, अग्नि अर्कोपस्थान, सूर्योपस्थान, अग्नि की पूजा, गोबि प्रपित्र देवार्चना दी, लेकिन धूप दीप माल्य आदि द्वारा तांत्रिक अर्चन भी होते हैं। और गोपाबासैर मनोरमम उत्तम उत्तम जो बड़े बड़े गोप हैं, उनके जो आवास हैं, निवास स्थान, उत्तम उत्तम ग्रह, उनके द्वारा मनोरम, अर्थात केवल ये नहीं कि आभीर पल्ली मात्र, आभीर पल्ली में जैसे कुछ तो घोष छोटे छोटे कुटीर होते हैं, वैसा ही नहीं था। माने विशिष्ट विशिष्ट गोपावास थे, उन सब से वो अलंकृत था, क्योंकि नंद बाबा के अनंत धन धान्य था, अनंत रत्न, अनंत मणि, अनंत प्रकार के हीरक आदि आगे वर्णन आएगा। ये भी इच्छा थी नंद बाबा को कि कम से कम श्री कृष्ण यहां आए, और हम दोनों नंद यशोदा हैं, हमारे देहांत होने के बाद हमारी इस अपार संपत्ति का अधिकारी कौन है, इसलिए ये अपरिगणित जो हमारा गोधन है, वहां वर्णन है क्या नाम, कृष्ण वत्सैर असंख्यातैर ज्योति कृत सुवत्सकान। जिस समय भगवान बछड़ा चराते, गाय नहीं बछड़ों को चराते थे, तो उस समय बहुत से ग्वाल बाल अपने बछड़ों को श्री कृष्ण के बछड़ों में मिलाकर बछड़ों को चराने चलते थे, वहां का वर्णन है। कहना भी कृष्ण वत्सैर असंख्यातैर, भगवान कृष्ण के बछड़े असंख्यात थे, जिनकी कोई गिनती नहीं, और एक एक ग्वाल बाल के बछड़े कितने थे, वहां लिखा स्वान स्वान सहस्रों परिसंख्या न्यूतान, हजार से अधिक संख्या वाले, हजार हजार से अधिक संख्या वाले अपने अपने बछड़ों को श्री कृष्ण के असंख्यात बछड़ों के साथ मिलाकर कृष्ण के साथ वत्स चारण के लिए ग्वाल बाल चलते। तैतावता ग्वाल बाल भी अपरिगणित थे, अपरिगणित ग्वाल बाल और उनके सहस्रों पर सहस्र से अधिक संख्या वाले बछड़े, और उन सब बछड़ों को लेकर के कृष्ण के असंख्यात बछड़ों के साथ मिला करके वत्स चारण के लिए। अब इन सब बातों का समाधान हमने कई बार कर दिया है कि इतने सब चीज छोटे से ब्रज में कैसे हो सकती है, इतनी गाय, इतने बछड़े, इतना गोपों की संख्या, इतने गोपियों की संख्या कैसे बन सकती है, तो स्वल्प काल में महान काल का अंतर्भाव, स्वल्प देश में महान देश का अंतर्भाव, ये योगज शक्ति से संभव है। इसलिए भगवान की जो मंगलमयी योग माया शक्ति के द्वारा, जैसे प्रहर चतुष्टयवती एक रात्रि के भीतर अनंत कोटि ब्राह्मी रात्रियों का सन्निवेश योग माया ने किया, वैसे तो चार पहर की रात्रि, प्रहर चतुष्टयवती एक रात्रि, लेकिन उसमें कोटि कोटि अनंत अनंत ब्राह्मी रात्रियों का सन्निवेश हुआ है, उसमें रासलीला संपन्न हुई है। तो जैसे योग वाशिष्ठ में वो कथा है, लवण राजा के नेत्र निमीलन
काल मात्र में 100 वर्ष की अनुभूति हुई, 100 वर्ष का पूरा दृश्य उसने अनुभव किया है। इधर व्यवहारिक जगत में एक नेत्र का निमिलन मात्र हुआ, पलक पड़ी है और खुली है। इतने ही में वो देखता है कि 100 वर्ष का भीषण दृश्य देख करके आया, कांपने लगा। वशिष्ठ ने कहा वो सत्य भी है, तुम्हारा स्वप्न नहीं, सत्य भी है, जाकर दिखाया था वही 100 वर्ष के जीवन के जो अवशेष हैं, उसके पुत्र पौत्र आदि, उन सब का दर्शन कराया है, तब देखा है, तो सही बात। तो इसलिए अल्पकाल में महान काल का अंतर्भाव, कभी कभी एक यहां के 2 मिनट की निद्रा में और बड़ा लंबा स्वप्न दिखाई दे जाता है। कोई प्राणी बीमार रहता है, घोर बीमार रहता है, तो एक एक मिनट बड़ी लंबी हो जाती है, उसी का बीतना बड़ा कठिन हो जाता है। और जिस समय प्राणी को आनंद उद्रेक होता है, आनंद का आधिक्य होता है, तो फिर बड़ी से बड़े दिन राति एक मिनट में जाते हुए मालूम पड़ते। वो कंडू महर्षि जो है सो संध्या बंदन करने के लिए उतावले होकर चले, तो वो प्रमलोचा अप्सरा कहती है क्यों महाराज, क्यों बहुत जल्दी है, संध्या की बात है। बोले महाराज हजारों संध्याएं आपकी छूट गई, कितने युग हो गया हमको आए, तो हजारों संख्याएं संध्याएं आपकी छूट गई हैं, आज कैसी जल्दबाजी। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अनुकूल स्थिति में महान काल व्यतीत हो जाता है क्षण भर के तुल्य, और प्रतिकूल काल में थोड़ा ही सा काल महान काल जैसा प्रतीत होता है। गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने क्षण युग शतमेव जासां जेन बिना भवत। गोपांगनाओं के भगवान, गोपांगनाओं को भगवान के दर्शन में अनंत आनंद प्रतीत होता था, लेकिन उनके विप्रलंभ में, वियोग में क्षणम युग शतमेव, एक क्षण 100 युग के तुल्य बीतता। क्षण कितना बड़ा होता है और 100 युग कितना बड़ा होता है, परंतु क्षण जो है 100 युग के तुल्य प्रतीत होता है। इस दृष्टि से योग माया शक्ति के प्रभाव से उस वृंदावन धाम में अनंत अनंत गोपांगनाएं थी और अपरिगणित ग्वाल बाल थे, अपरिगणित बछड़े थे, कृष्ण के बछड़े, ग्वाल बालों के बछड़े, सबका अंतर्भाव उसमें चलता था। क्योंकि साधारणी कथा नहीं, लीला साधारणी नहीं है, समझ कर चलना चाहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा साक्षात परब्रह्म स्वीकृत, और जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, देश देशांतर के भक्त लोग ब्रज में उन श्री कृष्ण के माधुर्य रस का अनुभव करने के लिए आए थे। किनको रोका जाए तुम बताओ। तो इसी परिस्थिति में सबका सन्निवेश, भगवान के ब्रज में सबका सन्निवेश, जो जो आए। इसलिए अपरिगणित ग्वाल बालों का होना, अपरिगणित बछड़ों का होना, अपरिगणित गायों का होना, अपरिगणित गोपांगनाओं का होना, ये सब कुछ संगत, असंगत नहीं। सर्वतः पुष्पित वनम द्विजाल कुलनादितम। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त उद्धव को श्री कृष्ण संयोग प्रकाश का अनुभव कराया। श्री कृष्ण के संयोग में जो ब्रज का स्वरूप होता है, वो ब्रज का स्वरूप दिखाया। वस्तुतः श्री कृष्ण के विप्रलंब में जो ब्रज का प्रकाश होता है वो दूसरे ढंग का, उसमें तो अत्यंत क्षीणता, जीर्णता, और पुष्प भी मुरझाए हुए, लताएं भी, तरु भी सब मुरझाए हुए, कृष्ण के वियोग में वृक्ष भी मुरझाए हुए। ऐसे राम के वियोग में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया, अपि वृक्षा परिम्लाना
सपुष्पांकुरकोर काहा। राघवेंद्र के विप्रलम्भ में वियोग में वृक्ष भी परिम्लान हो गए, उनके पुष्प और अंकुर भी परिम्लान हो गए, मुरझा गए। उपतप्तोदका नद्यः, नदियों का जल भी तप गया है, खौल गया राम के वियोग में। इसीलिए वो कई कहते हैं इन गौड़िया संप्रदाय में, क्या नाम है, सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का एक श्लोक है, संतो अवतारा बहव पुष्कर नाभस्य सर्वतो भद्रा, कृष्णा धन्य कोवा लता स्वपि प्रेम दो भगवती। बोले विष्णु के अपरिगणित अवतार हैं और एक से एक अच्छे, एक से एक श्रेष्ठ, सब श्रेष्ठ हैं। बोले कहते कृष्णा धन्य कोवा लता स्वपि प्रेम दो भगवती, लताओं में भी प्रेम प्रदान करने वाला कृष्ण से भिन्न और कौन हुआ, लताओं में भी प्रेम प्रदान किया, इसलिए वृंदावन धाम की लताएं भी मानो कृष्ण पाद पंकज से संस्पृष्ट भूमि के रज को स्पर्श करने के लिए झुके हुए, जहां देखो वृक्ष बिल्कुल झुके हुए हैं, नीम का भी वृक्ष वहां जितना लटका हुआ है डालें उसकी मानो भूमि को चूमना चाहती हैं, और वृक्षों की तो पानी का। तो माने योगींद्र मुनींद्र दुर्लभ भगवान के जो पादारविंद हैं उनसे संस्पृष्ट भूमि को धन्य धन्य समझ करके उसको स्पर्श करने के लिए तमोपहत्यई अपने तम के उपघात के लिए मानो उसका स्पर्श करना चाहिए। तो लताओं में भी प्रेम प्रदान कृष्ण भगवान ने किया, ठीक है उनकी भावना बड़ी उत्तम है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में देखो तो राम में भी वही चमत्कार है, वही चमत्कार राम में भी। इसलिए राम के विप्रलम्भ में उपतप्तोद का नद्यः, नदियों का जल उपतप्त हो गया, अब वृक्षा परिम्लाना, वृक्ष भी परिम्लान हो गए हैं, उसके पुष्प और अंकुर सब के सब परिम्लान हो गए हैं। तो जिसके संयोग में सुख नहीं होता उसके विप्रलम्भ में ताप भी नहीं होता, ये असाधारण संबंध होता है, जिसके सम्मिलन में सुख उसी के विप्रलम्भ में ताप, जिसके विप्रलम्भ में ताप उसके ही संप्रयोग में सुख। तो इस प्रकार से सर्वतः पुष्पित वनम, संपूर्ण वन पुष्पित है, नाना प्रकार के फल फूलों से अलंकृत है, ये भगवान ने अनुग्रह करके विशेष रूप से उद्धव को अपने ब्रज का स्वरूप अनुभव कराया। और दिजाल कुल नादितम, हंस सारस कारंडवादी विविध प्रकार के जो द्विज हैं, पक्षी हैं, उन पक्षियों के निनादों से निनादित नंद गोकुलम का ही सब विशेषण। और आली अल जो है माने भ्रमर वृंद, भ्रमर वृंद के गुंजारव से भ्रमर वृंद का, भंवरों का जो अद्भुत गुंजार है उस गुंजार से भी उसका शोभा बढ़ रही। हंस कारंडवा कीरुणई ही, ये हंस क्षीर नीर विवेक वाला, वो कारंडव कहते जल कुक्कुट, जल में रहने वाला कोई कुक्कुट, जल कुक्कुट वही कारंडव नहीं, सारस कारंडव है जल कुक्कुट। तो इन सब से वो आकीर्ण, पद्मखंडैश्च मंडितम, पद्मखंड कमल समूह, तो कमल कमलिनी कुमुद कुमुदिनी वृंद से वहां के सरोवर शोभित हो, कृष्ण कुंड है, राधा कुंड है, प्रेम सरोवर है, विविध प्रकार के जो सरोवर हैं उनमें सब में कमल प्रफुल्लित हैं, कमलनी प्रफुल्लित हैं, कुमुद कुमुदनी प्रफुल्लित हैं, और उनमें जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, हंस सारस कारंडवादिकों के सुंदर नाद हो रहे हैं, और बड़े सुंदर सुंदर पक्षी अपनी अपने कोमल मधुर आराव से उसको अलंकृत कर रहे हैं।
समागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दप्रीतः परिस्वज्य वासुदेव धियार्चयत। असल में इसीलिए निम्नलोचति निम्नलोचत विभावसौ, सूर्य अस्ताचल को जाने लगे उस समय उद्धव जी पहुंचे। उनका मतलब यही था कि नंद भवन में पहुंच जाए तब फिर सब लोगों से मिलने जुलने की बात हो, रास्ता में कोई न मिले, इस बुद्धि। और उसी समय जो है सो जो गऊओं का और बछड़ों का के गऊओं और बछड़ों के खुरों से उत्पन्न रज धूली, उस धूली से रथ आच्छन्न हो गया था, इसलिए भी किसी को परिज्ञान नहीं हुआ। कुछ अंधेरा हो चला था और कुछ गोरज व्याप्त थी आकाश में, उससे आच्छन्न रथ था, इसलिए भी किसी को मार्ग में विज्ञान नहीं हो सका। अंत में जाकर के नंद भवन में जाकर के पहुंचे तो नंद को मालूम हुआ, और नंद जो है सो बड़े प्रेम से उठ करके बहुत प्रीत होकर प्रसन्न होकर के उद्धव जी का परिस्वंग करके आलिंगन करके और वासुदेव बुद्धि से अपने इष्ट देवता नारायण की बुद्धि से उनकी अर्चना, नारायण समझकर उनकी अर्चना। तो यहां भी सब सूरदास आदिकों के अनुसार नंद और नंद भवन ये सब का सब असंस्कृत पड़ा हुआ था श्री कृष्ण के प्रयोग, एकदम पत्ते पड़े हैं, धूरी पड़ी है और रसोई बहुत दिनों से बनी ही नहीं, वही कहीं दूध पी लिया, कहीं जो है सो दही ले लिया। इस प्रकार से कृष्ण के वियोग में किसी को किसी प्रकार का उत्साह रहा नहीं। यथा कथंचित देह यात्रा निर्वाहार्थ कुछ यत किंच प्रयत्न चल जाते थे, बाकी किसी प्रकार का अलंकार या भूषण या साज समार कुछ नहीं होता, और एकदम प्रेम समाधि की अवस्था में नंद रहते थे। प्रेम समाधि नंद रानी ब्रजेंद्र गेहिनी को तो अपार दुख था कृष्ण के विप्रलंब, कृष्ण के वियोग बड़ी संतप्त थी। तो किंतु ये सब भगवान कृष्ण के योग माया की प्रेरणा से उद्धव के जाने पर सब लोग सावधान हुए और तमागतम समागम कृष्णस्यानुचरम प्रियम। उत्साह का ये भी मूल था कि कृष्ण के श्याम सुंदर मदन मोहन कृष्ण के अनुचर भक्त, तो भक्तों को भगवान के भक्तों के दर्शन में बड़ा उत्साह होता है। कितना भी संताप हो संत के दर्शन से भक्त के दर्शन से मन में उल्लास हो जाता है। कृष्ण नंदक ग्राम से आए हुए उष्ण वायु को भी बड़े आदर के साथ ग्रहण करते हैं, नंदक ग्राम से आया हुआ ये उष्ण वायु बड़े प्रेम से उसको सेवन करते हैं। वो कृष्ण संबंध बड़ा ऊंचा है, इतने भर भी ताप है, जितने भर भी दुख है, श्री कृष्ण के संबंध से वो संपूर्ण ताप संपूर्ण दुख सुख रूप में परिणत हो जाते हैं, सुख रूप में प्रतीत होते हैं। तो इसलिए कृष्ण के अनुचर हैं, कृष्ण के सेवक हैं उद्धव, और कृष्ण जैसा ही इनका भूषण वसन अलंकार है, कृष्ण जैसा ही रूप भी है श्यामल वर्ण, श्यामल कृष्ण जैसा रूप, कृष्ण जैसी भय अवस्था, और
कृष्ण भगवान ने स्वयं अपना भूषण, अपना अलंकार, अपना मुकुट, अपना अंगद कंकड़ नूपुर आदि सब दे करके पहना करके भेजा। इसलिए कृष्ण से अनुचरम अतः प्रियम, कृष्ण के अनुचर हैं इसलिए परम प्रिय। कृष्ण की कुछ वार्ता सुनाएंगे, कृष्ण की चर्चा सुनाएंगे, इस आशा से मन में उल्लास हुआ और नंद जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के उठे और उद्धव जी का परिसंग किया और वासुदेव बुद्धि से उनका अर्चन किया, अर्घपाद्य मधुपर्कारी लेकर के यथाजोग्य सम्मान किया। भोजितम परमान्नेन संविष्टम कशिपौ सुखम गतश्रमं परज प्रच्छत् पाद सम्माहनादिभिः। और परमान्न जो है पायस, पायस से उनको भोजन कराया। क्या परमान्न का ये भी अर्थ है, उत्तमोत्तम अन्न का नाम भी परमान्न है। उत्तमोत्तम और विविध प्रकार का मधुर मनोहर पकवान निर्माण करके श्री उद्धव जी को अर्पित किया और उद्धव जी उस परमान्न से तृप्त हुए और एक बहुत सुंदर जो कशिपु है शैया, सुंदर शैया कोमल, उस पर संविष्टाम, उस पर अपना लेट गए और सुखपूर्वक विश्राम किया। गतश्रमान और उस समय में गतश्रम हो, संपूर्ण श्रम जो है थकावट, मार्ग की थकावट दूर। तब पाद सम्माहनादिभिर गतश्रमम, पाद सम्माहनादिभिर गतश्रमम, नंद बाबा ने अपने भृत्यों को नियुक्त किया इनका पाद सम्माहन करो, अवस्था के अनुरूप स्वयं पाद सम्माहन नहीं किया ऐसा समझना चाहिए, किंतु अपने भृत्यों को नियुक्त किया और पाद सम्माहन आदि करके और उनकी थकावट सब दूर। पाद सम्माहन आदि भी गतश्रम, फिर परज प्रच्छत, फिर उनसे प्रश्न किया। कच्चिदंग महाभागो सखान सूर नंदन आस्ति कुशल्य पत्याद्यैर्युक्तो मुक्तः सुहृद्व्रतः। कच्चिदंग महाभाग, हे अंग उद्धव जी, हे अंग कच्चित अपि, क्या हमारे सखा सूरनंदन सूरसेन के पुत्र वसुदेव शौरी, हमारे सखा कृष्ण का माने क्या नाम है नंद का वसुदेव का सख्य बड़ा प्राचीन, इसीलिए उसी विश्वास पर उसी विश्रम्भ पर अपने पुत्र श्री कृष्ण को नंद भवन में जाकर रखा और नंद भवन में उत्पन्न भगवती नंद गोप ग्रहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तव नाशयिष्यामी विंध्याचल निवासिनी, ये विंध्यवासिनी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी उसकी भोग महिमा जो है सुध्या नाम त्रिपुरा त्रिपुरा महात्म्यादिकों में वर्णन है, साक्षात शुद्ध अनंत ब्रह्मांड जननी और त्रिपुर साक्षिणी, तीन जो पुर है समष्टि व्यष्टि स्थूल देह सूक्ष्म देह कारण देह, ये जो तीनों पुर हैं
उनकी साक्षिणी है, उनकी दृष्टि है, भाषिका है और निर्विकार स्वच्छ स्वप्रकाश परम ब्रह्म रूपा गोपत्री गोविंद रूपिणी, उसी को कहा सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा, वही चलकर सृष्टिकर्त्री होकर के ब्रह्म रूपा, वही गोपत्री गोविंद रूपिणी, गोविंद रूपिणी होकर वही गोपत्री होती है, विश्व का पोषण पालन करती है। संहारिणी रुद्र रूपा, वही रुद्र रूप होकर विश्व का संहार करती और संहारिणी रुद्र रूपा त्रोधान करीश्वरी, वही विश्व का त्रोधान करती है उस समय ईश्वर रूप में ईश्वर बनती है, ईश्वरी त्रोधान करीश्वरी और वही सदाशिवानुग्रहदा वही अनुग्रह कारिणी होती हुई भी सदाशिव रूप में प्रकट होती है। तो वही वेणु बादन परायणा तो करके गोविंद बन जाती है। तो वो भी आविर्भूत हुई थी साक्षात कृष्ण की भगिनी, कृष्ण की बहन। तो आनंद जी उसको उठा लाए और अपने गोपाल कृष्ण को वहां छोड़ा। तो पुरानी मैत्री है, तो यद्यपि एक प्रकार से वसुदेव का अपराध था, नंद बाबा को बिना बताए उनके पत्नी की शैया पर अपने सद्योजात बालक को छोड़ाना और उनकी कन्या को उठा ले जाना और उनकी कन्या का इस प्रकार से निधन हो जाना, एक प्रकार से निधन ही है, पता नहीं जब अभिज्ञात हो गई। नंद ने कंस ने उसका वध करना चाहा, कंस के हाथ से छूटकर आकाश मंडल में जाकर के और अपने दिव्य रूप से प्रकट हुई और नंद बाबा को मर्मांत वेदना थी कृष्ण के विप्रलंब में, बड़ा संताप। लेकिन सूर नंदन सखा, सखा का यही स्वभाव होता है, सखा के दोषों को मन में न लाना, सखा के दोषों को मन में न लाना, सखा के दुख में दुखी होना, ये न मित्र दुख हो ही दुखाई जितने ही बिलोकत पातक है। और एकदम अभिन्न अभिन्न हृदय कहते, सखा अभिन्न हृदय होता है, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानना और उसके अपराधों को अपना अपराध जैसा समझ करके अपने अपराध को क्षमा करने के लिए किसी दूसरे की सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती, दूसरा कोई सिफारिश करे तो अपने अपराध को क्षमा करें इसकी जरूरत नहीं होती, बिना किसी की सिफारिश किए ही हम अपने अपराधों को क्षमा कर लिया करते, ऐसे ही अपने मित्र के अपराधों को भी। इस दृष्टि से नंद बाबा ने वसुदेव के उन दोषों को मन में न लाते हुए और बड़े प्रेम से पहला प्रश्न जो है कृष्ण के संबंध में नहीं किया, पहला प्रश्न जो है यही किया, कच्च दंग महाभाग सखा न सूरनंदन, हमारे सखा सूरनंदन महाभाग वसुदेव वो कहते कुशली आस्ते, वो कुशली है प्रसन्न है, अपत्यादेर युक्ता, अब तो अपने पुत्र अधिकों से युक्त हो गए हैं, माने बलराम भी यही थे नंद गोकुल में और कृष्ण भी यही नंद गोकुल में थे, तो अब दोनों ही पुत्र पहुंच गए, रोहिणी भी पहुंच गई, अपत्यादेर व्रत और अपत्यादेर युक्त और मुक्त बंधन से भी मुक्त हो गए। कृष्ण ने जाकर के उनकी हथकड़ी बेड़ी खोल दी, कारागार में बंद थे वो, कारागार से उनको निकालकर हथकड़ी बेड़ी खोलकर और इस प्रकार से मुक्त हो गए, अपत्यादि से युक्त हो गए और सुहृद व्रता अपने विविध प्रकार के सुहृदों से
मित्रों से व्रत परिव्रत होकर के और हमारे सखा सुवर नंदन अब तो कुशली हैं, प्रसन्न है। दृष्टिया कंसो हत पाप सानुगस्वे न पापमना। कुछ आशंका हुई, किसी तरह से आशंका हो सकती थी कि कंस का वध कृष्ण के द्वारा अनुचित था, अपने मामा का ही वध करना अनुचित था, तो उसको कहते हैं कि नहीं, दृष्टिया कंसो हत पाप, कंस तो पापी था और उसका मारा जाना तो हर्षदायक है, बहुत अच्छा हुआ वह कंस पापी मारा गया। सानुगह उसके जो चारूर मुष्टिक और आदि जो बड़े बड़े संगी साथी थे वो सांप के साथ मारा गया कंस, ये बहुत अच्छा काम हुआ। वो कैसा मारा गया? कृष्ण नहीं नहीं मारा तो स्वयं पाप बना हता, वो तो अपने पापमा ही से मारा गया, अपना ही उसके ही पापमा ने उसको मार दिया। यही मंदोदरी विराप करती हुई कहती है कि हे पतिदेव, आज जो आपने बड़े इंद्र पर विजय प्राप्त किया, कुबेर पर विजय प्राप्त किया, जमराज पर विजय प्राप्त किया, आज आप राम के बाणों से विदीर्ण होकर रणांगण की धरती में सो रहे हैं, यह कैसी विचित्र विधि की विडंबना। फिर कहती है नहीं नहीं पतिदेव, आप राम के बाणों से नहीं मारे गए, इंद्रिय रेव निर्जिता, आपकी इंद्रियों ने ही आपको खूब पुराना बैर संभाल कर आपको विजित करके रणांगण में गिराया, क्योंकि आप जब जितेंद्री थे तब तो आपने इंद्र वरुण कुबेर सबको जीता, और जब आप अजितेंद्री हो गए और नाना प्रकार के अनाचार पापाचार में संसक्त हो गए, तो उन्हीं इंद्रियों ने तुमको रणांगण में राम के बाण के ब्याज से, राम का बाण तो ब्याज है, राम बाण के ब्याज से इंद्रियों ने ही तुमको रणांगण में गिराया। इस प्रकार से मुख्य बात है पापमना हता, स्वयं पापमना हता, कंस अपने पापमा से ही नष्ट हुआ। साधु नाम धर्मशीला नाम जदु नाम दुष्ट जस सदा, क्योंकि सर्वदा धर्मशील जो जदु है, जदुवंशी धर्मशील है, उनसे सदा द्वेष करता था, सदा ही उनका विनाश करने पर उद्यत रहता था, तुला रहता था। राम विमुख हाल तो रहा अनुकुल कौरव। इस प्रकार से वही ये जो उसने अनाचार पापाचार किया, साधुओं का द्रोह किया, उन्हीं सब हेतुओं से वो मारा गया। अब आते हैं वही जो अधिक धैर्य नहीं रहा, अब उस बात को छोड़ करके कृष्ण का प्रश्न किया, अपिस्मरते न कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन। ए अंग उद्धव, क्या श्री कृष्ण कभी हम लोगों का स्मरण करते थे? ना ये है कि बहुवचन माने हम नंद संनंद उपनंद आदि जो वृद्ध लोग हैं, हम वृद्धों का कभी कृष्ण स्मरण करते? अपिस्मरते न कृष्णो। और अपनी मां यशोदा वो भी कभी स्मरण करते? यहां एक ही वचन दिया, क्योंकि वो यशोदा अत्यंत कातर थी, उसका विलक्षण दुख देख करके प्रथम दृष्टि उस पर गई, इसलिए अपनी मां को यशोदा को स्मरण करते। सुहृदः और अपने जो सुहृदय श्रीदामा सुबल आदि जो उनके सुहृद हैं, मित्र हैं, अंतरंग मित्र हैं, जो उन्हें प्रत्युपकारा नपेक्ष उपकार करने वाले सुहृद होते, जो मैंने प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके जो हित करने वाला, कई लोग तो हित करते हैं लेकिन अपेक्षा रखते हैं इनसे भी हमारा हित हो,
तो मित्र उत्तर कहलाते हैं। शोध वो कहलाते हैं जो प्रत्युपकार की अपेक्षा न करके उपकार करते हैं, हित करते हैं, ऐसे शोध जो कभी अपने सुख की कल्पना ही नहीं करते, निरंतर श्री कृष्ण के सुख में, श्री कृष्ण के हित में संलग्न रहने वाले मित्र सहृद और दूसरे सखा और सख्यश्च सखायश्च ये सब करके एक शेष होने पर सखीन, वहां क्या नाम है, पुल्लिंग का ही शेष रहता है, इसलिए इसी में सखीन में ही सखी भी आ गई, सख्यश्च सखायश्च एक शेष हो गया सखीन, माने अपनी सखी लोगों को और अपने सखा लोगों को क्या स्मरण करते हैं कभी श्री कृष्ण। गोपान इतर गोपों को और ब्रजम संपूर्ण ब्रज कैसा, आत्मनाथम आत्मा श्री कृष्ण एव नाथो जेषाम यस्य, आत्मा श्री कृष्ण एव नाथो यस्य तम आत्मनाथम, जिनके नाथ कृष्ण ही, आत्मा माने स्वयं कृष्ण ही, वो स्वयं है नाथ, जिस ब्रज के उस ब्रज को क्या स्मरण करते हैं, भूल तो नहीं गए। एतावता ये निश्चित होता है कि और जगह तो कोई कोई व्यक्ति भक्त होते, कोई कोई कुल भक्त होता, परंतु यहां तो ब्रज सारा का सारा ब्रज भगवान को ही अपना सर्वस्व मानता है, श्री कृष्णचंद्र परमानंद कन्द मदन मोहन को ही अपना सर्वस्व मानता है। ब्रज कहने का मतलब ये हुआ कि जड़ चेतन सभी कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानता है, इसलिए माना है कि वृंदावन धाम के गोकुल के जो वृक्ष हैं वो भी कोई विशेष ऋषि महर्षि जोगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस ही हैं, किसी रूप में प्रकट, कोई वृक्ष रूप में प्रकट। काम वन में हम घूम रहे थे तो दो नीम के वृक्ष देखे बड़े भाई, तो उनकी कथा वहां लोगों ने बतलाया, इन नीम के दो वृक्षों के काटने की बात आई तो फिर स्वप्न हुआ, जो काटने का इंतजाम कर रहे थे स्वप्न हुआ, हम अमुक अमुक स्थान के देवता हैं और अपना देवलोक छोड़ करके ब्रज रज के लिए काम बन की सेवा के लिए हम आकर निम्न वृक्ष बनकर रह रहे, इसलिए हमारा ये ब्रजवास छोड़ाओ मत। फिर वो मालूम हो गया तो नहीं बताया। जमलार्जुन की कथा प्रसिद्ध ही है, जमलार्जुन क्या नाम, कुबेर के दो पुत्र थे नलकुबर, भले सात बसात आए थे परंतु कहने का मतलब यह है कि वो मैंने वृक्ष भी सामान्य वृक्ष नहीं थे, वृक्ष भी सामान्य, और वह उन्होंने तो वर्णन किया है, यथपाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म वृद्धो विविरत पिगम्य, यहां पादो पांसु नहीं किया, पादपानाम अंशु पाद पांसु, जहां वृंदावन धाम के जो पादप हैं वृक्ष हैं उनकी जो अंशु है एक रश्मि एक किरण वो भी धृतात्म दुर्जोग विरक्त गम्य, बड़े बड़े धृतात्मा जोगियों के द्वारा अगम्य अप्राप्य है, वृंदावन धाम के गोकुल धाम के जो वृक्ष हैं पादप उन पादपों के जो अंशु किरण हैं वो किरण धृतात्मा योगींद्र मुनिंद्रों के द्वारा भी अगम्य अप्राप्य, ऐसा परम सौभाग्यशाली ब्रजधाम है जहां के जड़ चेतनात्मक
सब कुछ भगवत रूप है, इसीलिए वह अपने कहने प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं, यत्र प्रविष्ट सकलोप जंतु आनंद सचित घनता उपैती। इस ब्रजधाम में प्रवेश करते ही सकलोप जंतु कोई भी जंतु तत्क्षण सचित घनता उपैती सदघन चिदघन आनंद घन ब्रह्म रूप ही बन जाता है। जैसे लवण की खान जो है, सैंधव की खान, खान में कोई लकड़ी भी डाल दो तो थोड़े दिन में सैंधव बन जाती है। जो चीज डाल दोगे सैंधव की खान में वो सैंधव बन जाती है। ऐसे ब्रजधाम ये सच्चिदानंद घन धाम है, यहाँ कोई भी वस्तु प्रविष्ट होती है थोड़े क्षण में वो आनंद सज्जित सज्जित घन बन जाता है। जत्र प्रविष्ट सकलोपि जंतु आनंद सज्जित घनता मुपैती। ऐसे ब्रजधाम के जो वृक्ष हैं, वहां की जो लताएं हैं, वहां के जो तरु हैं, बुल्ब हैं, इसके लिए उद्धव प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरण रेणुजुषा महन श्याम वृंदावने किमप गुलमलौषधी नाम जा दुष्ट जन सजन मार्ज पथंच हित्वा बेजुर मुकुंद पदवी मुश्रुत भर विमृग्याम। मैंने श्रुतियां जिस मुकुंद पदवी को ढूंढती रहती हैं, श्री गोपांगना जनों ने उस ब्रजरज का सेवन किया है, उस भूमि में पहुंच गई हैं, उस श्री कृष्ण पाप पर परब्रह्म भगवान को अपना सर्वस्व त्याग करके जो दुस्त्यज स्वजन दुस्त्यज आर्ज पथ का परित्याग करके उस अखंड सच्चिदानंद घन परब्रह्म को कृष्ण को सर्वात्म भाव से भजा, उन गोपांगनाओं के पाद पंकज रज स्पर्श करने वाले तृण गोल मलता आदिकों में कोई एक हम हो जाएं, ऐसा उद्धव महाशय कामना करते। तो उस ब्रज के हरेक वस्तु वो चेतन है, अचेतन नहीं, अचेतन नहीं। इसीलिए रस कथाएं जो आगे वर्णित होती हैं उनमें वर्णन किया है कि ब्रज और गोपांगना दोनों प्रेम की अवस्था विशेष, प्रेम की प्रेम में एक अवस्था होती जड़िमा जाड्यापत्ति, प्रेमोद्रेक में प्राणी मूर्छित हो जाता है, मोहित हो जाता है, जड़ता आ जाती है। तो जो प्रेम की जो जड़ता अवस्था है वही वृंदावन धाम है, वही वही कहें ब्रज, जड़ प्रेम की जड़ता अवस्था जड़िमा अवस्था। और प्रेम की दूसरी अवस्था होती है जिसमें उन्माद होता है, चंचलता होती है, वो उन्मादावस्था जो है वो गोपांगना, गोपांगना उसमें कुछ ज्ञान चैतन्य का भान होता है, चेतनता रहती है और उसमें अचेतनता रहती है। इस तरह से ब्रज और गोपांगना दोनों ही प्रेम की पृथक पृथक अवस्थाएं। तो ऐसी परिस्थिति में आत्मनाथम ब्रजम अमुक अमुक की बात नहीं है, सारा का सारा ब्रज जड़ चेतनात्मक, सारा ब्रज आत्मनाथम, आत्मा श्री कृष्ण एव नाथ यस्य तम आत्मनाथम, सबका एकमात्र नाथ स्वामी प्रेमास्पद पद और परमानुराग का आस्पद ध्येय गे परमाराध्य सर्वस्व श्री कृष्ण। तो उस ब्रज को आत्मनाथम ब्रजम, यानी कहने का मतलब दुनिया का स्वभाव है, और कोई भूल जाए तो भूल जाए, पर जो जो अपने आप को ही सर्वस्व मानता है उसको तो नहीं भूलता। तो इसलिए श्री कृष्ण कम से कम आत्मनाथ ब्रज को तो नहीं भूलेंगे, आत्मनाथ ब्रज को तो नहीं भूलेंगे। इसलिए पूछते हैं कच्चित अंग हे महाभाग, वो कृष्ण हम सबको स्मरण, हम सबको स्मरण करते हैं, अपनी माँ को स्मरण करते हैं, अपने सुहृदों को स्मरण करते हैं, सखियों सखाओं को स्मरण करते हैं, आत्मनाथ ब्रज को कभी स्मरण करते हैं? वो क्या कहना है, वो एक आतुरता, मैंने यही बात कि अंतरंग दृष्टि से तो समझ लो कि कृष्ण कभी ब्रज को छोड़कर जाते ही नहीं, वृंदावनम परित्यज पाद में कन्न गच्छति वही सिद्धांत है। लेकिन उसमें अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दो अवस्थाएं होती हैं। जब उसमें अंतर्मुखता होती है तो कृष्णचंद्र परमानंद कंद को ब्रज में ही देखते हैं, और थोड़ी सी जहां अनवधानता होती है, अनवधानता में सिर्फ श्री कृष्ण का मथुरा गमन और कृष्ण का विप्रलंब भाषित होने लगता है, उसी समय विकल हो जाते हैं। विशेष करके जो उत्कंठा प्रधान प्रेम वाले, उत्कंठा प्रधान प्रेम वालों को ये
ये विरह विरह जन तीव्रता को अत्यंत खलता है। गावो वृंदावन गिरिम, अब गाय गाव माने गाह, गाह के अर्थ में गावा द्वितीय से बने, उन गौओं को स्मरण करते जिनको चढ़ाते रहे, जिनके साथ रहते थे। गोपांगनाओं के संवाद में गोपांगना कहती है सखी तुम कहते हैं श्याम सुंदर तुम इतना दान लेते हो, दान लेते हो तो कुछ दान पुण्य भी करते हो कि नहीं? कोई दान बहुत ले और कोई शुभ कर्म न करे, गंगा स्नान न करे तो दान से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती। तुम हमसे दधिदान लेते हो तो इसके बदले में तुम कुछ करते हो? तो कृष्ण कहते हैं सखी हम गऊओं का नाम जपते, गौरी धुमरी गंगे जमने गऊओं का नाम जपते और गोरज गंगा में स्नान करते, गऊओं के पीछे पीछे चलते हैं और गऊओं बछड़ों के खोरों से जो धूली उड़ती है उसी धूली से हम स्नान कर लेते हैं। ये हम गोरज गंगा में स्नान करते हैं और गऊओं का पवित्र नाम जपते हैं, इससे हमारा सब दान प्रतिग्रह जितना भर भी है सब हजम हो जाता है। तो उन गऊओं जिनका आप नाम जपते थे, जिनके गोरज गंगा में आप स्नान करते थे, एकदम भूल गए? कृष्ण उनको स्मरण करते हैं क्या? जिनमें इतना प्रेम के नंगे पांव चलते हैं कृष्ण, नंगे पांव। क्या नंद बाबा के घर में पादक त्राण नहीं था, पादुका नहीं थी, अनंत धन धान्य था, ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रज सर्व समृद्धि संपन्न था, श्रेष्ठ इंदिरा इंदिरा लक्ष्मी वैकुंठ धाम में तो सेव्या थी, यहां श्रेते कर्ता में प्रत्यय, कर्ता में प्रत्यय माने सेविका, वैकुंठ धाम की सेव्या, वैकुंठ की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी वैकुंठ धाम की सेव्या, अत ब्रजे तो सा श्रेते सेवते, ब्रज में तो सेवा करती, सेविका बनकर रहती। तो जहां जहां लक्ष्मी सेविका बनकर रहती है वहां धन धान्य की कमी? अनंत रत्न अनंत हीरक दिव्य दिव्य चिंतामणि अपरिगणित चिंतामणि अपरिगणित हीरक अपरिगणित नाना प्रकार के रत्न नंद बाबा के घर में थे। इसलिए नंद बाबा की इच्छा थी एक बार कृष्ण आए हमारी संपत्ति के उत्तराधिकारी बने और सब कुछ लेकर के जहां चाहे वहां रहे, एक बार वो आ जाए, एक बार आ जाए, ये इच्छा थी। तो इसलिए समृद्धि की कमी नहीं, लेकिन कृष्ण नंगे पांव चलते। वो कांगना कहती चलत जद ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम क्षेत्रणाकुरई सीदती नहा कलिलता मन कांत गच्छति। चलस जद ब्रजाचारयन पशु गऊओं को बछड़ों को चराने के लिए आप ब्रज से गोकुल से निकलकर वन में जाते हैं। चलस जद ब्रजाचारयन पशु नलिन सुंदर अन्नाथ ते पदम, हे नाथ आपका चरणारविंद नलिना दप्यत सुंदरम, नलिन जो कमल है उससे भी अत्यधिक सुंदर है, नलिन की जो सुंदरता है आभा प्रभा कांति है वो उसके सामने तुच्छ, इसलिए नलिन से भी अति सुंदर कमल की कोमल पांखुड़ी से भी कोट गुणित अधिक सुकोमल आपका चरणारविंद, उस चरणारविंद से आप उन गऊओं बछड़ों के पीछे पीछे वृंदावन धाम में उनको चराने के लिए चलते हैं। यत्ते सुजात चरणाम मुरुहम स्तनेशु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मतसि तद व्यथते न किंस्वित कूर्पाद भिर्भ्रमति धीर्भवदायुषान्नः। जो आपके मधुर मनोहर
सुकोमल चरण अरविंद जो कि सुजात कमल से नहीं, सुजात कमल अच्छी जाति का अच्छे स्थल में उत्पन्न जो सुजात सरसिज, सुजात सरसिज के तुल्य उससे भी कोट गुणित सुकोमल आपका चरणारविंद, जिसको हम अपने रक्ताप के उपशमनार्थ अपने उरोजों पर स्थापित करती हैं, तो हमको संकोच होता है, हमारे उरोज कठोर हैं, कर्कश हैं, आपके मंगलमय सुकोमल चरणारविंद अत्यधिक कोमल हैं, कहीं इनसे उनको आघात न लग जाए, ये हम डरती रहती। लेकिन उन्हीं चरणारविंदों, उन्हीं सुकोमल चरणारविंदों आप अटवीम अटसी, इस वृंदाटवी को, इस वन में आप घूम रहे हैं, उनमें अगर कोई तृण गड़ जाए, कोमलता की कल्पना है, मृदिमा की अधिष्ठात्री, मृदिमा कोमलता, मृदिमा की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी कितनी कोमल होती है, उसका चरणारविंद ऐसा सुकोमल है जिसमें कमल की कोमल पांखुड़ियों के गड़ने का डर, मृदिमा अधिष्ठात्री महालक्ष्मी का चरणारविंद इतना कोमल जिसमें सुकोमल कमल की पाखुड़ियों के गड़ने का डर है, उसके हस्तारविंद फिर कितने कोमल होंगे, जिसका चरणारविंद इतना कोमल उसका हस्तारविंद कितना कोमल होगा, वो मृदिमा अधिष्ठात्री महालक्ष्मी अपने सुकोमल हस्तारविंद से भगवान के चरणों को स्पर्श करने लगती है तो सकुचाती है, मेरे हाथ बड़े कठोर हैं, मेरे प्रियतम प्राणनाथ पर प्रेमास्पद प्रभु के चरणारविंद बड़े कोमल हैं, कहीं मेरे हस्तारविंद का आघात प्रभु के चरणों में न लगे, कान स्पर्श अक्षमाभ्याम। राम रामचरित्र जो है श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भागवत में रामचरित्र वहां वर्णन किया कि क्या नाम जनकजा, जनकजा जनक नंदिनी जानकी के जो सुकोमल हस्तारविंद है उनको जिनके चरणारविंद स्पर्श करने में असमर्थ है, जनकजा के मंगलमय हस्तार सुकोमल हस्तारविंद को स्पर्श करने में अक्षम है, पाण स्पर्शा अक्षमाभ्याम। और पुरुनी के चरणारविंद को उधर बंदर जो है पांव दबाते हैं, बंदर बंदर भालू, बंदर और भालू पांव दबाते हैं, वही सेवा करते हैं, कौन जंगल जो हरिंद्रानुजाभ्याम, तो ऐसा आपका मंगलमय सुकोमल चरणारविंद उससे आप वृंदावन धाम में बहुओं बछड़ों को चराने के लिए चलते हैं, कहीं कहते हैं कहते तृण अंकुर कुश काश कहीं उस चरणों में गड़ जाए तो क्या होता, तल से जद ब्रजाचारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणाकुर मन कलिलता कांत गच्छति। तो पादत्राण क्यों नहीं पहन लिया, जूता क्यों नहीं पहन लिया, जिस दिन पहले गोपाष्टमी को गोचारण की यात्रा हुई, मुहूर्त बाकायदे गऊओं की पूजा की गई, श्री कृष्ण ने गो पूजा की, गऊओं को बढ़िया दुकूल अर्पित किया, चंदन अर्पित किया, माला चढ़ाई, मधुर मनोहर लड्डू खिलाया गऊओं को और उनकी आरती उतारी, उनकी परिक्रमा किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया गऊओं को और गऊ चराने के लिए नंद बाबा ने कहा डाला विकास नंद, कहा बाबा गऊएं हमारी इष्ट देवता है ना, इष्ट देवता तो पादत्राण नहीं पहने, ये पादुका नहीं पहने हैं, इष्ट देवता ने पादुका नहीं पहना, हम कैसे पादुका पहने, अरे इष्ट देवता तो नंगे पांव चल रहा है और सेवक जूता पहन के चले। भरतलाल कहते हैं सिर भर जाऊं उचित असमोरा सबते सेवक धर्म कठोरा, जिस रास्ता से रामचंद्र राघवेंद्र भगवान पदाती चले हैं
पांवों से चले हैं, हमको तो सिर के बल चलना चाहिए। जहां स्वामी के पालार बिंद का विन्यास हुआ वहां सेवक का शिरो विन्यास होना चाहिए, सेवक का सिर पड़ना चाहिए। चिरबल जाऊं उचित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक धर्म बड़ा कठोर होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा हमारी गायें इष्ट देवता हैं और ये पादत त्राण विहीन बन बन में चरने के लिए चलती हैं, हम पादत त्राण पहन कर कैसे चले। इसलिए भगवान पादत त्राण विहीन होकर के वृंदावन धाम में चलते थे। इसलिए वृंदावन धाम की महिमा को योगींद्र मुनीन्द्र अमरात्मा परमहंस वर्णन करते करते अघाते नहीं। गोलोक के देवता भी वृंदावन धाम की महिमा वर्णन करते, गोलोक धाम में भगवान क्या नंगे पांव चलते हैं, वैकुंठ धाम में भगवान नंगे पांव काहे को चले। लेकिन यहां का हेतु है, हेतु है नंगे पांव चलने का। इसलिए वैकुंठ धाम की भूमि को भगवान के निरावरण चरणारविंद का स्पर्श नहीं मिलता, गोलोक धाम की भूमि को भगवान के निरावरण चरणारविंद का सीधा अव्यवहित व्यवधान शून्य चरणारविंद का स्पर्श नहीं मिलता। अयोध्या धाम की भूमि को पादत्राण विहीन पादुका विहीन निरावरण चरण का स्पर्श नहीं होता, चित्रकूट की भूमि को हुआ, चित्रकूट की भूमि को हुआ। दंडकारण्य की भूमि को भगवान के पादारविंद का निरावरण चरणारविंद का स्पर्श हुआ। इसलिए विद्धन दंडक कंटक, भगवान के चरणों में दंडक बन के कांटे चुभे। सपाद पल्लवम रामो यतस्मरताम हृदय बिन्नस्य विद्धन दंडक कंटक, सपाद पल्लवम रामो यात्मज्योतिरगात प्रभु। तो भक्तजन जो है, स्मरण करने वाले जो भक्तजन है, भक्तजनों के हृदय में भगवान ने अपने पाद पल्लव को स्थापित किया और साकेत धाम पधारे। वो पाद पल्लव कैसा था, बोले विद्धन दंडक कंटक ही, दंडक बन के कांटे जिनमें चुभे, ऐसे पादार बिंद। वो इसीलिए कि भक्तों का ध्यान जाए कि भगवान के चरणार बिंद में दंडक कंटक क्यों बिंद। मखमली गद्दे पर बैठे बैठे राम के चरणार बिंद का ध्यान कर लो, सिंहासनासीन राम के चरणार बिंद का हृदय में धारण कर लो, जनकजा के मंगलमयी शैया पर विराजमान रामचंद्र के चरणार बिंद का ध्यान कर लो, ये विद्धन दंड का कंटक ही क्यों। इसका मतलब ये कि भक्त को ध्यान जाए हमारे राम दंडक बन में नंगे पांव क्यों चले। धर्म रक्षार्थ, गो ब्राह्मण रक्षणार्थ, दुष्ट दर्प दलनार्थ, रावण जैसे खरदूषण जैसे दैत्यों का दर्प दलन करने के लिए, गो ब्राह्मण की रक्षा के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म गुलामी धर्म और भूतान मिटाने के लिए नंगे पांव भगवान दंडक बनने विचरे। वो पावन के लिए भगवान वृंदावन धाम में नंगे पांव चले। तो भक्तों को भी ध्यान देना चाहिए हमारी गौवा कटे और हमारे भगवान नंगे पांव वृंदावन धाम में गौओं को चराए और हम उन गौओं की रक्षा को कुछ प्रयास न करें, ये भक्तों को ध्यान दिए। जिस काम के लिए भगवान के चरणारविंद में कांटे चुभे, उस काम के लिए हमारे आंखों में भी कांटे चुभे, तो भी हमको पीछे पांव नहीं धरना चाहिए। इस बात को सुझाने के लिए ये भगवान भक्तों के हृदय में दंडक विद्ध कर दंडक कंटक विद्ध चरणारविंदों को भक्तों के हृदय में स्थापित। इन सब दृष्टियों से वो गौएं भगवान को परम प्रिय, जिनके चराने के लिए भगवान नंगे पांव पीछे पीछे चले।